तो दोस्तों आज मैं आपको मिलाना चाहता हूँ हमारी टीम से, और हम लोग जो आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग है, लैपटॉप रिपेयरिंग है, ऐसा जो हम लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको सिखाते हैं, तो ये हमारा शाम का समय है। सबने अगर इस टाइम पर देखा जाए तो मोस्टली हाँ 9:30 बज रहा है, 9:30-10 बजे का समय है, और 9:30-10 बजे के समय पे हम लोग आपको वीडियो बना करके देते हैं। तो आज मैं आपको मिलाता हूँ, एक करके अपने जितने भी सारे लोग हैं सब लोगों की टीम से मिलाता हूँ, जो आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग के बारे में आपको सिखाते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं, और एक एक करके मोबाइल फोन के अंदर आने वाली समस्याओं को रिपेयर कैसे किया जाएगा, रिपेयर करने का तरीका क्या है, रिपेयर करने का टेक्निक क्या है, उन सब चीजों के बारे में हम आपको वीडियो देते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं, हम अपने सारे स्टाफ से हम सब लोग मिलते हैं ताकि आपको भी समझ जाए, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आए तो हमसे संपर्क करें, और अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो बिल्कुल संपर्क करें। हम लोग एक एक करके जितने भी सारे लोग हैं जो आपके बारे में आपको बताएंगे, और आप कैसे सीख करके जाएंगे, कितना समय लगता है, क्या टाइम लगता है, ये सब चीजों के बारे में एक एक करके मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले वीडियो जो मैं आपको बात कराता हूँ, ये हमारे नीरज भैया है, जो आपको जब आप मेरे पास उतना दूर से सीखने के लिए आते हैं तो ये आपको पूरा मदद करते हैं, और आपको साथ में पूरा सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में काम करते हैं। यहाँ तक का अगर पूरा रख रखाव का काम है, आपको पूरा सामान का काम है, आपको टूल किट का काम है, जो आप सीखते हो ना तो आपको टूल चाहिए होता है, कौन सा सामान आपके पास नहीं है आपको चाहिए तो आपको देते हैं, हॉर्डन मशीन है, माइक्रोस्कोप है, ओसी मशीन है, कोई भी ऐसी चीज चाहिए तो आपको ये मदद करते आपको देते हैं। तो नीरज आप बताइए कि जो आप जितने भी सारे लोग सीखने के लिए आएंगे तो आप उनके लिए क्या करेंगे और कैसे उनकी मदद करेंगे, बताइए अपने बारे में। हम जो है चाहते हैं कि जो लोग सीखने आते हैं अच्छे से सीख के जाएं, और हमारे जो है यहाँ जो है इंडेक्स जो है हमारा जो है अच्छा नाम हो, अच्छे जो है हमारा नाम चलता रहे, और इसी वजह से हम जो है चाहते हैं कि अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना तरक्की पे जो है पहुँचे। तो आपके पास जितने भी सारे जो बच्चे सीखने के लिए आते हैं तो आप उनके लिए क्या मतलब क्या ऐसा ध्यान रखते हैं? भाई वो आते हैं उनको जो है देखभाल करते हैं, उनका जो है सब सपोर्ट करते हैं, सब व्यवस्था उनकी बनाते हैं अपना, सब उनको आने जाने की व्यवस्था उनकी तरफ देखा करते रहते हैं अपना, व्यवस्थित करते हैं अपना। तो आप लोग जब इतना दूर से सीखने के लिए आते हो तो आप देखो भाई आप अपनी फैमिली से दूर होते हो, तो फैमिली से दूर होने का मतलब क्या होता है कि लगता है कि यार हम आ जाएंगे तो हमारे कौन होंगे, तो वहां पर देखो ट्रेनिंग के लिए तो मैं हूँ, गार्जियन के तौर पर मैं हूँ, लेकिन आपको सेकंड गार्जियन पर आपके बड़े भाई होने के नाते ही आपको पूरा आपको मदद करते हैं कि आप जब यहाँ पर सीख करके जाएंगे तो आप अच्छी तरीके से, आपको कोई परेशानी ना है, आपको घर की तरह पूरा एनवायरमेंट देते हैं, और कोई परेशानी आती है मतलब को खाने को नहीं मिला है, कोई समस्या है, कोई यहाँ पर कानपुर में सामान नहीं मिला है, तो भी आपको पूरा मदद करते हैं, सुबह शाम तक आपको सीखने सिखाने मदद करते हैं, ताकि ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सीख करके जाए और उसको कभी कोई परेशानी कोई दिक्कत ना आए। और मैं आपको मिलाना चाहता हूँ अमित सर से, जो अमित सर आप बताएंगे जरा। नमस्कार दोस्तों, मैं ईटेक से मिस्टर अमित बात कर रहा हूँ। हम आपको आज बताना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ठीक है जो कि आने की पहले सारे चीजें सीखना चाहते हैं ठीक, जैसे कि हमारे पास बहुत सी कॉलेज ऐसे आती हैं कि वो कहते हैं सर कि आपके यहाँ इक्विपमेंट क्या है और आपके यहाँ सिखाने वाले टीचर कितने हैं। अच्छा आप ये बताइए, हम यहाँ पे 20 टीचर रख लेते हैं तो क्या आप अच्छे से सीख जाएंगे? अगर कोई हमें इसका जवाब दे दे तो आप बताइए ठीक। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके पास में एक व्यक्ति होगा तब भी आप सीख सकते हैं, 100 व्यक्ति होंगे तब भी आप सीख सकते हैं। एक टीचर होने के नाते हम आपको यही बताना चाहते हैं कि कभी आप ये मत सोचिएगा कि इस क्लास में एक टीचर है, इस क्लास में दो टीचर है, इस क्लास में तीन टीचर है, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज नहीं है। आपको ये मायने नहीं रखता, आपको मायने सिर्फ ये रखता है कि जिस पर्पज से यहाँ पे आए हुए हैं वो पर्पज हमारा सॉल्व होना है या नहीं होना है। हम सिर्फ मोबाइल पे सीखने आए हैं और यहाँ की दुनियादर्शी से हमको बिल्कुल कोई मतलब नहीं है ठीक। हम आपको यहाँ पे मार्केट का भी ज्ञान कराते हैं, क्योंकि हम बता दें ये जो अपना इंस्टीट्यूट है यहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसका नाम है सागर मार्केट। ये अपनी यूपी की सबसे अच्छी मार्केट है, इसमें से कम से कम मोबाइल होगी 3 से 4-5 हज़ार दुकानें होगी, उसमें से आपको मोबाइल संबंधी जितनी भी सारी सारी चीजें होती है ना, सारी चीजें यहाँ पे आपको उपलब्ध होती है ठीक है। चाहे आपका टैम्पर्ड है, कवर है, ओसीए मशीन है, हॉट गन है, आयरन है, कहिया है, रंगा है, चिट्ठी है, आपका मल्टीमीटर है, आपको और आपका सेपरेटर भी है, सारी चीजें मतलब आप माइक्रोस्कोप भी यहाँ से ले सकते हैं, आप जितनी मशीनें यहाँ से लेना चाहो उतनी मशीनें आप ले सकते हैं।
तो हम आपको एक ट्रेनिंग के साथ साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ट्रेनिंग दिलाते हैं, उसके साथ साथ आपको यहाँ से जाने के बाद आपको दुकान कैसी करनी है, आपको फर्नीचर कैसे बनाना है, सारी चीजों का हम आपको यहाँ ज्ञान दिलाते हैं। और हमारे यहाँ बेसिक में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, आईसी रिकॉलिंग है, ईएमएमसी है, टच है, काम्बो है, ओसी है, एडवांस लेवल है, चिप लेवल है, बॉडी ऑटोमेटिक है, सारी चीजों से ट्रेनिंग आपको दी जाती है, ठीक है, जो कि आपको हमारे राघवेंद्र सर बताएंगे इसके बारे में। तो जैसा कि आपको सर ने बताया कि किस तरीके से आपको ट्रेनिंग होने वाली है, कैसा आपको सिखाया जाएगा, दूसरी बात क्या है, आप यहाँ पर जो आने वाले हैं वो मार्केट में आप क्या देखेंगे, क्योंकि भाई जब कोई भी आदमी जब सीखने जाता है तो अपने घर से निकलता है, भाई जब कोई काम करने जाता तो मैं बाजार जाऊंगा, मैं यार वहां से गढ़ में जाकर तो सीखूंगा, तो गढ़ में सीखने का एक अलग ही मजा होता है। क्यों? क्योंकि मजा इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर सारी चीजें उपलब्ध होती है। अगर आपको चार्जिंग का नेटवर्क चाहिए ना तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, जाइए भाग के ले लीजिए। आपको मोबाइल फोन का टच चाहिए ना तो सोचने की जरूरत नहीं, जाइए ले लीजिए। मोबाइल फोन का एक पावर आईसी खराब हो गई, BM8037 है, BQ56 है, कोई भी अगर 2365 WTR आईसी खराब हो गई, आप गए तुरंत खरीदा मोबाइल फोन में आईसी पर लगा दिया, आपका मोबाइल फोन चालू हो गया। स्क्रैप पे कब तक ढूंढोगे, स्क्रैप पे ढूंढते ढूंढते तुम्हारा समय निकल जाएगा, मार्केट में वो सारा सामान उपलब्ध है। तो गढ़ में सीखने का एक बहुत बड़ा ये फायदा मिलता है। और मैं आपको मिलाना चाहता हूँ हमारे मोहित सर है जो हैंड स्किल के मास्टर है। आप कोई भी मोबाइल फोन का आईसी है, डबल लगा लेते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं। आज की क्लास में मैं एक बताना चाहता हूँ कि वाक्य हुआ कि सर दो बच्चे आए थे जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग, मतलब एक लोग तो सीखने आ रहे थे, एक लोग उनके साथ में चेक करने आए थे कि मैं काम सीख सकता हूँ नहीं सीख सकता, तू सीख रहा है तू सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा, तो उसके मोबाइल फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम के लिए सर ने बोर्ड पर उनको पूरा गाइड किया, पूरा समझाया, उनके दो मोबाइल फोन भी ठीक किए, वो लोग पैसा भी दे रहे थे कि सर एक काम करो पैसा ले लो, हमारा मार्केट में पैसा लग रहा था आप भी पैसा ले लो। तो सर ने उनसे वो फोन दिख के भी आया था कहीं पर और उसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, सबको सही था, बस केवल थोड़ा एंटीना वायर का प्रॉब्लम था, वो भी नहीं मालूम, चार पांच दुकान में दिख के भी आया था और वो बोल रहे थे कि बदरपुर में आईसी का प्रॉब्लम है, तो उसको अच्छे से फाइंड करने तो मालूम पड़ता है। हाँ, तो जब उन्होंने अच्छे से पूरा फाइंड किया, पूरा एक एक करके बच्चों को समझाया क्या बेस बैंड है, कैसे पीएफओ काम करता है, कैसे WTRIC काम करती है, कैसे सर्किट का रोल होता है, सब चीज एक एक करके पूरा क्लियर किया। जैसे क्लियर किया मोबाइल फोन चालू हो गया, सारे बच्चे खुश हो गए, उन बच्चों ने कहा कि सर आप अपने काम के लिए दोनों फोनों का आप उनसे 500 रुपए ले लीजिए, तो सर ने 1 रुपया भी नहीं दिया, क्यों? क्योंकि आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पैसा लेते ही क्यों नहीं लेते, क्योंकि हमारा बच्चा सीख जाए, जो हमारे जो 10 बच्चे थे वो सीख गए, वो अच्छी तरीके से काम करे, हमारे जिंदगी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है आप सीख करके अच्छी तरीके से खड़े हो जाओ, अच्छी तरीके से काम करो। तो सर आप बताइए, जब आप सुबह शाम तक बच्चों को सिखाते हैं तो कैसे ट्रेनिंग देते हैं? सर मेरा नाम मोहित है, मैं ईटेक इंस्टीट्यूट से, तो मैं आपको हार्डवेयर रिपेयरिंग के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज देता हूँ। और मैं सुबह से शाम तक हमारे पास यही है कि मैं हार्डवेयर के मामले में आपको जो भी सिखाना है, आईसी लगाना, माइक्रो से माइक्रो काम से लेकर पूरा काम करना सिखाता हूँ मैं, और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं, फाइंड करना जो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही, सर तो बताते ही हैं, बाकी का जो सर जी बताते हैं इसके बाद में भी जो प्रॉब्लम डाउट रह जाते हैं मैं पूरा क्लियर करता हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार आए और वीडियो तो सर बराबर में लगता रहे और डाल भी रहे हैं और उसे सीख भी रहे, मगर क्या है कि जब आप सामने आते हो तो और अच्छे से सीख पाते हो। और तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी सारे लोग हैं, जब आप मेरे पास सीखने के लिए आएंगे, मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आएंगे, तो एक बात का आप ध्यान रखेंगे, आप 100% सीख करके ही जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, आपसे प्रॉमिस है, आप सीख करके ही जाएंगे। क्यों सीख करके जाएंगे? क्योंकि हमारी जिंदगी का एक ही उद्देश्य है, आप सीख करके सफल हो, कामयाब हो, अच्छी तरीके से काम करें। क्यों? क्योंकि जिंदगी में जब आप सीख जाओगे, आप अच्छा काम करोगे, तो आपको जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता है। देखो, बेरोजगारी का रोकने का सिर्फ एक ही साधन है, आपके हाथ में स्किल, आपके हाथ में हुनर। अगर आप बहुत पैसे वाले हो तो ये बात मायने नहीं रखता कि आपका बेटा भी पैसे वाला बनेगा या वो भी रहेगा, लेकिन हाँ, अगर आप उसके हाथ में हुनर दे देते हो, वो कोई स्किल आ जाती है, तो वो मार्केट में कुछ ना कुछ काम करता है। आज मेरे पास बहुत ऐसे लोग हैं जो इनके फादर आते हैं, जो कहते हैं कि सर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरा 60,000, 70,000, 50,000 रुपए पेंशन आता है, लेकिन मेरा बच्चा बेकार है। क्यों बेकार है? इसलिए बेकार है क्योंकि
वो कुछ करना ही नहीं चाहता, वो मेरी बातों में मेरे पैसों को लेकर कितना आयस करता रहा कि हाई स्कूल इंटर ऐसे ही कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, नकली मार्कशीट लेकर सब कुछ पास कर लिया, लेकिन आज इसको मार्केट में 10,000 का भी काम नहीं देता। मैं कहता हूँ आप क्या अंबानी का भी बेटा क्यों नहीं होगा ना, अगर उसको काम नहीं आता ना तो दोस्तों अगर मार्केट में जब कहीं काम मांगने जाएगा, कहीं काम करने जाएगा तो उसको कोई पैसा नहीं देगा, क्योंकि जिंदगी में पैसा तभी मिलता है जब आप काम करके देंगे। अगर 100% अगर आप काम करके देंगे तो आपको पैसा मिलेगा, काम करके नहीं देंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। यही एक सीधा दस्तूर है प्राइवेट सेक्टर का। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अगर आप सफल होना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छा वर्किंग करना चाहते हैं, एक अच्छा स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आप एक छोटा सा कोर्स है, छोटे कोर्स को सीखिए, छोटे कोर्स सीखने के बाद आप सफल होइए, सक्सेसफुली काम करिए, आपको कभी कोई परेशानी आएगी ये मेरा आपसे वादा है। मात्र 45 दिन का है, 45 दिन में आप सीख जाएंगे बिल्कुल जीरो लेवल। Yeah.